जी दानियल अख्तर, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ हैदरिया इमाम बारगाह के बाहर। आप देख सकते हैं ये डीजी खान की वो बड़ी इमाम बारगाह है जिससे जुलूस डीजी खान में जितने भी बड़े जुलूस हैं वो बरामद किए जाते हैं। डीजी खान की जितनी भी बड़ी इमाम बारगाह हैं उनमें इस इमाम बारगाह का जो है वो शुमार किया जाता है, क्योंकि आज 10 मुहर्रम हराम है तो इसी वजह से जो है वो आज़ादार यहाँ आना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में जो है वो डीजी खान का सबसे बड़ा जो आज़ादार जुलूस है वो यहाँ से बरामद किया जाएगा, जो अपने मरकजी रास्तों से होता हुआ करबला तक पहुँचता है। अगर हम बात करते हैं मरकजी रास्तों की, तो मरकजी रास्ते वो है जहाँ से ये जुलूस बरामद किया जाएगा, तो वहाँ पर भी जो है वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हर रोड पर जो है वो 9, 20 से 30 जो है वो CCTV कैमरे लगाए गए हैं फॉर द सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे, तो इसी हवाले से जो है ये रोड्स पर जो है वो सिक्योरिटी के अधिकार जो है उनकी ड्यूटीज डबल कर दी गई हैं। हर रोड को जहाँ से जुलूस गुजरेगा वो उनको खारजा रफ्तार, जिस तरह मेरे पीछे भी देख सकते हैं खारजा रफ्तार और सीमेंट के ब्लॉक के साथ जो है उनको बंद कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी अधिकारों की, तो इस साल डीजी खान में जो है वो 10,000 या 10,000 से ज़ायद जो सिक्योरिटी अधिकार हैं तो वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज सर अंजाम देंगे, और इस साल जो है वो रेंजर्स भी बड़े पैमाने पर जो है डीजी खान में तलब कर ली गई है। जी हाँ, आपको ये भी बताता चलूँ जो है वो डीजी खान के दाखिली, खारजी और अंदरूनी जितने रास्ते हैं उनको भी खारजा रफ्तार और इन सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स के साथ बंद कर दिया गया है। डीजी खान में जितने भी बड़े इमाम बारगाह हैं, जिस तरह मेरे पीछे देख सकते हैं हैदरिया इमाम बारगाह, जितने भी रास्ते इनको जाते हैं वो इसी तरह जो है ब्लॉक्स मेरे पीछे आप देख सकते हैं ब्लॉक्स और जो है इन तारों के साथ बंद कर दिए गए, कोई ना जा सके। अगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ जो है वो डीजी खान में जितने भी बड़े इमाम बारगाह हैं उनके इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं, जितने भी चौल्स हैं या जितने भी रोड्स हैं, उनको जो है इसी तरह खारजा रफ्तार और ब्लॉक्स के साथ बंद कर दिया गया है। जी